हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपके लिए ये जो फ्रिल का स्टाइल लेकर आई हूँ, इस स्टाइल से फ्रिल डालकर आप गर्ल्स के किसी भी निटिंग आउटफिट को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। इसको आप नेक में डाल सकते हैं, स्लीव्स में एज अ बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, बूटीज़ बनाने में, कैप बनाने में, कहीं भी आप इसे डालेंगे ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। और ये हमारी बेसिक सी फ्रिल का स्टाइल है जो कि ज़्यादातर अपने निटिंग आउटफिट्स में हम यूज़ करते हैं। ये हम जब बनाएंगे तो आपको जो स्टिचेस इसमें लेने होंगे, 3-3 के मल्टीपल में स्टिचेस लेकर उसमें 2 स्टिच और हम ऐड कर देंगे तो ये फ्रिल आपकी किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसको बनाना है। इस फ्रिल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 के मल्टीपल में 12 और 2 14 स्टिचेस यहाँ पे डाल लिए हैं। और स्टिचेस डालने के बाद दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 8 रोज मैंने यहाँ पे बुन ली हैं। अब हम यहाँ पे फ्रिल डालना स्टार्ट करेंगे। आप अगर चाहें तो स्टार्टिंग से भी इस फ्रिल को डाल सकते हैं। अगर आपकी स्वेटर तैयार हो जाए फिर फंदे उठाकर भी आप इस तरह से फ्रिल तैयार कर सकते हैं। तो अब फ्रिल कैसे हमें बनानी है, इसकी फर्स्ट रो देखिए आप कैसे बुनेंगे। फर्स्ट 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदों को उल्टा बुनने के बाद फिर 1 फंदा हमें सीधा बुनना है। इस फंदे को सीधा बुनते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से जाली डालनी है। धागा हमारा आगे है तो जब हम इसको ऐसे सीधा बुनेंगे तो सलाई के ऊपर से धागा जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एक जाली क्रिएट कर देगा। जिस तरह से हमने इन 3 फंदों को बुना है ऐसे ही हमें इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। अब धागा फिर हम आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे। जब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसे फिर से हमारी जाली बन जाएगी यहाँ पे। फिर से रिपीट हम करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा जाली डालते हुए, फिर धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा जाली डालते हुए। आप कितने भी फंदे लें इसी तरह से इन 3-3 फंदों पे हमें इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। और लास्ट में जो 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं इनको हम यहाँ पे उल्टा बुनकर ऐसे अपनी फ्रिल की फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो के बुन जाने के बाद अब हम सेकेंड रो पर आ गए हैं। सेकेंड जो हमारे रॉन्ग साइड की रो है, इस रो में जो फंदा आपको जैसे दिख रहा है वैसे हमें बुनना है। जैसे जो फंदे हमने वहां पे उल्टे बुने थे उनको हमें यहाँ पे सीधा बुनना है। स्टार्टिंग के 2 फंदे ये हमें सीधे बुनने हैं, फिर 1 फंदा हमने जो वहां पे सीधा बुना था राइट साइड में और जाली डाली थी ये आपको यहाँ पे नजर आएगा उल्टा, इसको हमें उल्टा बुनना है। और जो जाली भी हमने बनाई थी इसको भी हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से हमें इन फंदों को बुनना है। तो स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाकर नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ये फंदा और जाली वाला फंदा। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रो हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम राइट साइड की थर्ड रो पर आ गए हैं। थर्ड रो में अब हमें क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे 3 फंदे थे जाली यहाँ पे डालने से 1 फंदा हमारा बढ़ गया है, तो ये अब हमारे 4 हो गए हैं। अब इन पे हमें इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है। स्टार्टिंग के 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। इन 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद हर बार जब भी आप राइट साइड पे आएंगे जाली डालेंगे 2 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। इसको उल्टा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट जो फंदा हम सीधा बुनेंगे इस पे हमें जाली डालनी है। जैसे अब धागा आगे है, नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुन रहे हैं, तो इसमें जैसे हमने पहले जाली डाली थी ऐसे ही हम यहाँ पे फिर से जाली डाल रहे हैं। इस तरह से जाली डालने के बाद नेक्स्ट जो फंदा है इसको हम फिर सीधा बुन लेंगे। अब ये जो फंदे हैं हमारे जाली के डालने से 5 हो गए हैं। अब इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। धागा आगे लाकर फिर 2 फंदे उल्टे, फिर नेक्स्ट फंदे पे हमें जाली डालनी है सीधा बुनते हुए, फिर 1 फंदा सीधा,
फिर से हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ऐसे ही हमें इसको बुनते जाना है। और लास्ट में दो फंदे इनको उल्टा बुनकर ऐसे हमारी ये थर्ड रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद फिर से हम रॉन्ग साइड की रो पर आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड की रो में जो फंदे हमें ये सीधे नजर आ रहे हैं, स्टार्टिंग के दो फंदे, इनको हमें सीधा बुनना है। इनको सीधा बुनने के बाद अब आप ये देखिए जो नेक्स्ट फंदे जो हम रॉन्ग साइड में उल्टे बुनते जा रहे हैं, ये हमारे बढ़ते जाएंगे। हमने सेकेंड रो में इनको, यहाँ पे हमारे दो फंदे हो गए थे, लेकिन फिर से जाली डालने पर अब ये दो फंदे और एक ये जाली, इट मीन्स टोटल तीन फंदे हैं जिनको हमें यहाँ पे उल्टा बुनना है। धागा आगे लाकर इन तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट दो सीधे फंदे आ जाएंगे, इनको सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लाकर फिर से तीन फंदे उल्टे, ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही हमें इनको बुनते जाना है। और लास्ट में दो फंदे सीधे। इस तरह से हमने अपनी फोर्थ रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम राइट साइड के फिफ्थ रो पर आ गए हैं। फिफ्थ रो में फिर से स्टार्टिंग में दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, फिर नेक्स्ट फंदे पे जो हम सीधा बुनेंगे उस पे हमें जाली डालनी है। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसे जाली डालते हुए, और जो भी हमारे नेक्स्ट सीधे फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। धागा आगे लाकर दो फंदे उल्टे, फिर नेक्स्ट सीधा फंदा जाली डालते हुए बुनेंगे, फिर नेक्स्ट सीधे फंदों को बुन लेंगे। ऐसे ही हम यहां तक बुनते जाएंगे एंड तक। लास्ट में दो फंदे उल्टे बुनकर इस तरह से हमने अपनी ये फिफ्थ रो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड के सिक्स्थ रो पर आ गए हैं। स्टार्टिंग के दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाकर अब ये फंदे हमारे तीन ये फंदे और एक जाली, टोटल चार फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। अब इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है। जो फंदा जैसा दिख रहा है, जैसे दो सीधे, धागा आगे लाकर चार फंदे उल्टे, ऐसे हम इसको बुनते जाएंगे। इस तरह से हमने अपनी सिक्स रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम राइट साइड की सेवेंथ रो पर आ जाएंगे। सेवेंथ रो में अब स्टार्टिंग में वैसे ही दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। इन फंदों को उल्टा बुनने के बाद अब नेक्स्ट जो फंदा है वो हमें सीधा बुनते हुए जाली डालनी है। आप देख रहे होंगे जो भी हमारे ये उल्टे फंदे हैं, ये तो हमारे वही दो फंदे ही हैं। इसके बाद जो भी नेक्स्ट फंदा हम बुनेंगे उस पे हमें जाली डालनी है राइट साइड में, और जो हमारे सीधे फंदे उसके बाद हमें ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इनको हम सीधा ही बुनते चले जाएंगे। ऐसे हमें इस फ्रिल की लेंथ को जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं हर राइट साइड पे इसी तरह जाली डालते हुए। अब इसको बुन लेने के बाद अब इस प्रोसेस को फिर से रिपीट हम करेंगे। धागा आगे लाकर दो फंदे उल्टे, फिर नेक्स्ट फंदे पे हमें सीधा बुनते हुए जाली डालनी है, और जो भी रिमेनिंग नेक्स्ट सीधे फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर इसके बाद फिर से रिपीट करेंगे। दो फंदे उल्टे, नेक्स्ट फंदे पे जाली, फिर नेक्स्ट सीधे फंदे, ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे।
लास्ट में दो फंदे उल्टे बुनकर इस तरह से हमने अपनी ये सेवंथ रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से हमारी शेप बनती जाएगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट रो पर आ गए हैं जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। दो फंदे सीधे, फिर अब धागा आगे लाकर अब आप देखेंगे चार फंदे ये हमारे उल्टे हैं और एक जाली का, टोटल पांच फंदे अब हमें यहाँ पे उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, पांच फंदे फिर उल्टे, ऐसे हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। इस तरह से हमारी ये 8th रो हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम राइट साइड की 9th रो पर आ जाएंगे। 9th रो में स्टार्टिंग में दो फंदे उल्टे, फिर नेक्स्ट फंदे पे हमें जाली डालते हुए सीधा बुनना है इसे। नेक्स्ट रिमेनिंग फंदे जो सीधे नजर आ रहे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर रिपीट करना है इस प्रोसेस को, धागा आगे लाकर दो फंदे उल्टे, नेक्स्ट सीधे फंदे पे जाली, फिर नेक्स्ट सीधे फंदे बुन लेंगे, फिर धागा आगे लाकर फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। और लास्ट में दो फंदों को उल्टा बुनकर ऐसे हमें अपनी ये 9th रो कंप्लीट करनी है। इसके बाद अब हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ जाएंगे। ये जो 10th रो है इसमें अब देखिए वैसे ही दो फंदे स्टार्टिंग में हमें सीधे बुनने हैं। अब यहाँ पे जो फंदे हैं हमारे, पांच फंदे तो हमें उल्टे नजर आ रहे हैं और एक ये जाली का, इट मीन्स टोटल 6 फंदे हमें उल्टे बुनकर इसे कंप्लीट करना है। अब फिर से इसको हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे लाकर पांच फंदे ये और एक जाली का, टोटल 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, लास्ट में दो फंदे सीधे। इस तरह से हमने अपनी ये 10th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम राइट साइड की 11th रो पर आ जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसकी फ्रिल की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आगे हमें ऐसे ही करना होगा, दो फंदे ये हम उल्टे बुनकर फिर नेक्स्ट सीधा फंदा बुनेंगे, उस पर हम जाले डालेंगे और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और रॉन्ग साइड में भी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे बुनते चले जाएंगे। तो जितनी भी लेंथ आपको फ्रिल की यहाँ पे बनानी है उतनी रोज आप इसकी बुन सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे जस्ट 10 रोज बुनी है और वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हमारी 10 रोज कंप्लीट हो गई है तो जब अब हम बुनेंगे इन सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। अब जो 11th रो है इस पे हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, दो फंदों को ऐसे इकट्ठा लेते हुए सीधा बुनते हुए हम एक बना देंगे, फिर इस फंदे को दोबारा से सिलाई में डालेंगे, एक और फंदा इंक्लूड करेंगे, फिर दो फंदों को सीधा बुनते हुए एक बना लेंगे, फिर इसे सिलाई में डालेंगे, फिर एक और इंक्लूड करेंगे, ऐसे हम इन सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। इन सारे फंदों को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है।
फाइंड ऑफ करने के बाद अब देखिए इसका लुक इस तरह से हमारा बन जाएगा। अगर आपको ये फ्रिल का स्टाइल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।